हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी मौजूद है। सदन की शुरुआत हो गई है, विपक्ष का आरोप है शोर शराबे के बीच सदन को चलने नहीं दिया जाता, जो पक्ष है जो सत्ता पक्ष है वो बोलता है विपक्ष ऐसा सवाल है, ऐसा कोई बात नहीं। हम सदन विपक्ष पूरी तरह से विधानसभा में सार्थक बहस चाहता है, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान चाहता है और पूरी ताकत के साथ हमने आज मत सदन को चलाएंगे। किसी तरह का हम अब ऐसा काम नहीं करना चाहती विपक्ष के सदन में व्यवधान हो। पोषण आहार को लेकर चर्चा होगी, माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि हम चर्चा कराएंगे और हम कल इस मुद्दे को उठाएंगे। किसान परेशान है, इस समय देखा जाए तो किसानों को जो सही मूल्य है लहसुन और प्याज का जो सही मूल्य वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर जो सरकार है वो बोलती है कि लहसुन की क्वालिटी खराब थी इसलिए हमने ली। सवाल इसका, सरकार तो किसानों की दुश्मन है, न तो उन्होंने आज तक बाजरा खरीदी करवाई उसका पैसा अभी तक नहीं दिया, किसान भटक रहा है। ओलावृष्टि हुई उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी के दलाल को बांट दिया, जिनका नुकसान हुआ तो आज ही भटक रहे हैं। बाढ़ पीड़ित हुई, बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक कोई राहत नहीं दी। श्योपुर मुरैना जैसे तमाम जिलों में चंबल नदी में गांव के गांव बह गए लोगों को, अभी तक सरकार ने न कोई पैकेज दिए, न खाने पीने और न निवास की व्यवस्था की है। सरकार तो पूरी तरह से असफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से अक्षम हैं, साबित हो गए हैं, क्योंकि हर जनता कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज खुशहाल है। बेरोजगार भटक रहे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है, 42% बेरोजगार मध्य प्रदेश में, पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा बच्चियों पर हमले बलात्कार मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटालों का राज बन चुका है। कमलनाथ जी के न आने को लेकर सदन में सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर ये कोई सवाल नहीं है, न कोई मुद्दा है। कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से परमिशन लेके जाएंगे है? हमारे पार्टी के नेता हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए उन्होंने संकल्प हमारे साथियों ने लिया है। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ लेंगे और हम लोग सदन में भारतीय जनता पार्टी के कारनामे उजागर करेंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1000% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, इनका साफ कहना है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। फिलहाल देखना ये होगा कि सदन किस तरह से चल पाता है, 3 दिन का सदन है, उसमें क्या किन मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। कैमरामैन अब्दुल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।